अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं मिर्ज़ा वहीद और आज हम मोबाइल पेयर करने वाले हैं सैमसंग A510। सैमसंग A5, इसकी हालत देखें ज़रा। ये मोबाइल है, आज हमें इसको रिपेयर करना है, इसकी बैक चेंज करनी है, इसका पैनल चेंज करना है और बाकी के जो फॉल्ट हैं वो देखेंगे। तो आइए हम इसको कैसे करते हैं, शुरू करते हैं। जी तो हमने सारे इसके स्क्रू निकाल लिए हैं और उसके बाद हमने इसकी निकालनी है सिम ट्रे। ये पहले निकालने होते हैं लेकिन मुझे याद भूल गया था इसलिए मैं अब निकाल रहा हूँ। तो ये हमने इसकी सिम ट्रे निकाल ली। जी तो हमने अभी इसकी बैटरी रिमूव कर ली, ये मोबाइल हो गया ऑफ और अब हम इसकी निकालेंगे स्टेप्स। क्या पैनल निकाल लेते हैं पहले। ये इसका मदरबोर्ड निकालिया हमने, सैमसंग A5 का मदरबोर्ड। और इसके बाद ये इसका पैनल निकाल लिया। ये देखिए इसकी कंडीशन बिल्कुल रफ हो चुका है, ये पैनल सारा ख़राब हो चुका है। ये इसको हम साइड पर रख देते हैं और अब बस निकालते हैं अब इसकी बैटरी। ये हमने इसकी बैटरी निकाल ली, अब इसकी फ्लैक्स निकालते हैं। ये इसकी नेविगेशन कीज़ हैं, ये बैक की और ये रिसेंटली की। बस एहतियात से ये इसकी फ्लैक्स मूव करते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए। जी तो ये इसकी फ्लैक्स निकाल ली, ये आप देख सकते हैं इसकी फ्लैक्स। और इसके बाद अब इसका निकालते हैं थम स्कैनर। ये इसका थम स्कैनर निकाल लिया और अब हम इसका निकाल लेते हैं स्पीकर एयर पीस। ये इसका एयर पीस है और अब हम जल्दी से ज़रा इसकी सफाई कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारा रफ है, तो इसकी सफाई कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये हमने कर ली वॉश, ये होगी नीट एंड क्लीन। और अब हम इसकी बॉडी को क्लियर कर लेते हैं, इसकी भी ज़रा सफाई लगा लेते हैं अच्छे तरीके के साथ। हम इसकी फ्लेक्स को, उसके बाद हम इसकी करेंगे फिटिंग। और एक बात का ख़ास ध्यान रखना है कि इसके जो कैमरे हैं, कैमरे आपने निकाल देने हैं। एहतियात के साथ कैमरे निकाल लेने हैं इसके दोनों, और कैमरे को आपने साफ़ करना है बिल्कुल सॉफ्ट और साफ़ ब्रश के साथ, क्योंकि कैमरे पे अगर आप कोई भी नॉर्मली कपड़ा इस्तेमाल करेंगे साफ़ करने के लिए या ब्रश हल्का सा भी इसके ऊपर लग गया तो कैमरे के रिजल्ट में फ़र्क आ जाता है, कैमरा फोकस नहीं करता। इस वजह से कैमरे को साफ़ करने के लिए बहुत सारी एहतियात ज़रूरी है। और ये हमने कैमरा फ्रंट कैमरा इस्तेमाल, कैमरे को ज़रा साफ़ कर लेते हैं। तो ये हमने दोनों कैमरे कर लिए साफ और इसको हम रख कर लेते हैं सेव। इसकी फ्लैक्स को ज़रा साफ कर लेते हैं। इसको ज़रा एहतियात के साथ जाना है क्योंकि ये रिसेंटली की है, की ना ख़राब हो जाए। वैसे तो इसकी की ख़राब ही हैं, मतलब चल नहीं रही, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से एहतियात कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है। और ये हम इसके हैंड फेस वॉश साफ़ कर लेते हैं इसको। और केमिकल लगाते हुए ख़ास ध्यान रखना है कि केमिकल माइक के ऊपर ना डले, माइक के ऊपर केमिकल डल गया तो माइक भी काम नहीं करता, इस वजह से हल्का सा लगाना है केमिकल इसको। आप
ये हमने साफ कर ली, और उसके बाद ये हम इसका डेडिकेशन माइक उठा लेते हैं और इसको बोर्ड को कर लेते हैं वॉश। और ये होता है इसका सेंसर जो कॉल आने के लिए जो लाइट डिटेक्ट करता है, और इसके भी बहुत से काम होते हैं। ये सेंसर है, इसके ऊपर रबड़ होती है, ये रबड़ इसकी नहीं है पहले से। तो अब हम इसके फ्रंट को ज़रा साफ कर लेते हैं। ये हमने इसका साफ कर लिया। ये इसका जो है एक पीस की जाली है, इसको भी हम ज़रा साफ कर लेते हैं छिपे के एक साथ। छोटी वगैरह निकाल लेते हैं इसके, बिल्कुल साफ करने से इसकी आवाज़ बेहतरीन आएगी, क्योंकि अगर मिट्टी इसमें रही तो इसकी आवाज़ नहीं साफ होती, पूरी आवाज़ नहीं निकलती। अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। हम इसकी करते हैं फिटिंग। और अब हम इसको खुदा को याद करते हुए ऑन कर लेते हैं। ये अल्लाह पाक की इज्जत तीन का मिले भी नहीं जी। तो फ्रेंड्स ये है सैमसंग A5, ये नजर है ये सैमसंग मोबाइल A5 जी। तो फ्रेंड्स हमने इसको चेक करेगा, अब इसको लगाते हैं उसको, इसका उसको लगाने के बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे बड़े एहतियात के साथ, क्योंकि अगर मोटर को बॉडी में पहले रखेंगे तो पैनल की स्टिक नहीं लगेगी, इसलिए स्टिक हमने लगा ली है, और जिसको एहतियात के साथ हमने बॉडी के अंदर फिट करना है। और उसको लगाने से पहले इसको मोबाइल को उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा करने के से इसका जो पैनल है वो डैमेज ना हो जाए, इसलिए हम इसको ज़रा इसकी सेफ्टी के लिए नीचे फोम वगैरह रख लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसको लगाते हैं उसको। Thank you.
ओके फ्रेंड्स, चा सही ना काम दी ऐसे ही है। चलो तो अब इसकी ज़रा बैक प्लेट भी लगा लेते हैं। ओके और ये स्टील लगा लेते हैं, सिंट्रे लग गई और इसको लगाते हैं बैक प्लेट। ये रही इसकी बैक प्लेट। वाह क्या बात है, मोबाइल हो गया न्यू रेडी फर्स्ट क्लास। इसको गम लगानी पड़ेगी। चलें जी इसको थोड़ी सी गम लगा लेते हैं हल्की आंच पे। जी तो इसको लगा दी हमने बैक प्लेट। ओके हो गया। और इसको ज़रा रबड़ लगा देते हैं ताकि ये खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद फिर हम इसको करेंगे साफ, क्योंकि ये जो गम वगैरह लगी हुई है ये ज़रा क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो फ्रेंड आ सजना कैद बोल गई, जब तक ये खुश्क हो जाए इसकी गम वगैरह, तो उसके बाद ये रबड़ उतार के तो हम इसको ज़रा साफ़ करेंगे। ये जो फालतू गम लगी है इसको उतार देंगे ताकि मोबाइल दिखने में खूबसूरत हो। जी तो इसकी रबड़ वगैरह उतार दी हमने और अब इसको करते हैं साफ। बेहतरीन हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है या कोई बात करना चाहते हैं, कोई बताना चाहते हैं, या मैंने कोई मिस्टेक की है मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।